तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं 15,000 बजट के अंदर बेस्ट सीपीयू, मतलब आपका जो बजट रहेगा यहाँ पे 15,000 के अंदर रहेगा। दोस्तों आपका यहाँ पे जो सीपीयू के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, आपका बेसिक काम वगैरह, बेसिक मल्टीटास्किंग टास्क वगैरह एंड आपका जो ब्राउजिंग वगैरह आराम से आप यहाँ पे कर सकते हैं एंड थोड़ी बहुत गेमिंग एंड थोड़ी बहुत एडिटिंग वगैरह भी आप यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। तो इसका जो बजट रहता है हमारा 15,000 के नीचे रहता है, इसकी वजह से इसमें जो कंपोनेंट लगा हुआ है थोड़ा सा चीप क्वालिटी का आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप यहाँ पे आपका जो हैंड काम तो नहीं कर सकते लेकिन आपका बेसिक काम वगैरह आराम से यहाँ पे चल जाएगा। तो दोस्तों इस लिस्ट में मैं आपको यहाँ पे 4 सीपीयू को आपके लिए लिस्टेड किया हूं, जो कि आप यहां पे फ्लिपकार्ट मार्केट प्लेस अंदर जाके उसको आप यहां पे परचेस कर सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो पहला नंबर पे जो सीपीयू है वो है ब्रोजो ब्रांड की तरफ से हमारा यहाँ पे चला आता है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे रैम में DDR3 का 8GB का रैम देखने के लिए मिल जाता है एंड स्टोरेज में आपको यहाँ पे 500GB की हार्ड डिस्क का कैपेसिटी देखने के लिए मिल जाता है। अगर हम इस सीपीयू की प्रोसेसर के ऊपर बात करें तो आपको यहाँ पे प्रोसेसर में इंटेल i5 का प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है एंड दोस्तों इस प्रोसेसर का जो कोर साइज है डुअल कोर प्रोसेसर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। अगर हम यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो कि होता है ग्राफिक्स कार्ड, अगर हम इस सीपीयू की ग्राफिक्स के ऊपर बात करें तो आपको यहाँ पे 1GB की इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड देखने के लिए मिल जाता है, जिसके वजह से आप यहाँ पे थोड़ी बहुत यहाँ पे गेमिंग वगैरह कर सकते हैं, जो लाइट गेम वगैरह होता है उसको आप यहाँ पे रन करवा सकते हैं, थोड़ी बहुत छोटा मोटा एडिटिंग वगैरह भी आप यहाँ पे कर सकते हैं फिल्मोरा सॉफ्टवेयर के अंदर। एंड दोस्तों इस जो सीपीयू की अगर हम यहाँ पे वारंटी की बात करें तो आपको यहाँ पे 1 ईयर की मैन्युफैक्चर वारंटी देखने के लिए मिल जाता है इस ब्रांड की तरफ से। तो इसका लिंक भी मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप इसको लेने के लिए इंटरेस्टेड हो तो इसका लिंक के अंदर जाके आप यहाँ पे उसको चेकआउट कर सकते हैं, उसका स्पेसिफिकेशन वगैरह भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो अभी चलिए हमारा सेकंड नंबर पे जो सीपीयू है उसके ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो सेकंड नंबर पे सीपीयू है वो किसी ब्रांड के अंदर नहीं आता, ये पूरी तरह से हमारा असेंबल सीपीयू है, मतलब ये कोई ब्रांडिंग वगैरह नहीं है, इसमें सारे कंपोनेंट इसका डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड की तरफ से आता है और उसको असेंबल करके यहाँ पे बेचा गया है। तो इसके ऊपर चलिए बात कर लेते हैं। इसमें आपको जो प्रोसेसर में आपको यहाँ पे इंटेल i3 का फर्स्ट जनरेशन का प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है, जिसका स्पीड आपको यहाँ पे 3.2 GHz का देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम इस सीपीयू की रैम के ऊपर बात करें तो आपको यहाँ पे 4GB का DDR3 रैम देखने के लिए मिल जाता है एंड इंटरनल स्टोरेज में आपको यहाँ पे 500GB की हार्ड डिस्क देखने के लिए मिल जाता है एंड 128GB की SSD का कैपेसिटी देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर हम इसका ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर बात करें तो आपको यहाँ पे 512MB की ग्राफिक्स कार्ड देखने के लिए मिल जाता है, मतलब इस पे आप छोटी मोटी काम यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। एंड दोस्तों इसका जो वारंटी रहता है आपका यहाँ पे 2 ईयर की मैन्युफैक्चर वारंटी देखने के लिए मिल जाता है, जिसकी वजह से इसका एक एडवांटेज आपको 1 ईयर का देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप इस सीपीयू को परचेस करें तो आपको यहाँ पे 2 ईयर तक आपको यहाँ पे कोई झंझट लेने की जरूरत नहीं, जिसकी वजह से आप यहाँ पे 2 साल तक की वारंटी का फायदा ले सकते हैं। एंड दोस्तों हमारे यहाँ पे थर्ड नंबर पे जो ब्रांड है वो है एंटोइनो ब्रांड की तरफ से आपको यहाँ पे सीपीयू देखने के लिए मिल जाता है। इसमें दोस्तों आपको यहाँ पे रैम के अंदर DDR3 का 8GB का रैम देखने के लिए मिल जाता है एंड दोस्तों स्टोरेज में आपको यहाँ पे 128GB की SSD का स्टोरेज देखने के लिए मिल जाता है एंड दोस्तों यहाँ पे हार्ड डिस्क में आपको यहाँ पे 500GB की हार्ड डिस्क कैपेसिटी देखने के लिए मिल जाता है। अगर यहाँ पे इसका प्रोसेसर के ऊपर बात करें तो प्रोसेसर में आपको यहाँ पे इंटेल i5 का 4 कोर प्रोसेसर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है एंड इसका जो स्पीड आपको यहाँ पे 3.2 GHz का स्पीड देखने के लिए मिल जाता है। अगर हम यहाँ पे इसका ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर बात करें तो आपको यहाँ पे 0.5GB का ग्राफिक्स कार्ड देखने के लिए मिल जाता है, मतलब 512MB का ग्राफिक्स कार्ड आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे थोड़ी बहुत गेमिंग वगैरह थोड़ी बहुत एडिटिंग वगैरह छोटा मोटा काम आपका यहाँ पे चल जाएगा। अगर हम यहाँ पे इसका भी वारंटी के ऊपर बात करें तो आपको यहाँ पे 1 ईयर की मैन्युफैक्चर वारंटी देखने के लिए मिल जाता है। अगर हम यहाँ पे दोस्तों फोर्थ नंबर पे जो हमारा सीपीयू है उसके ऊपर बात करें तो यहाँ पे भी आपको कोई ब्रांड की तरफ से आपको यहाँ पे ब्रांडिंग की सीपीयू देखने के लिए नहीं मिलता है, ये सीपीयू भी आपको यहाँ पे असेंबल की तरफ से देखने के लिए मिल जाता है, मतलब ये कोई ब्रांड वाला नहीं है, सिंपल से एक मैन्युफैक्चर इसको असेंबल करके आपको यहाँ पे फ्लिपकार्ट मार्केट प्लेस के अंदर बेचता है। तो इसके ऊपर अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसके रैम के अंदर आपको यहाँ पे 8GB का DDR3 का रैम देखने के लिए मिल जाता है एंड दोस्तों स्टोरेज में आपको वही आपको SSD में 128GB की SSD देखने के लिए मिल जाता है एंड हार्ड डिस्क में आपको यहाँ पे 500GB की हार्ड डिस्क देखने के लिए मिल जाता है। अगर हम यहाँ पे इसका प्रोसेसर के ऊपर बात करते हैं तो आपको यहाँ पे इंटेल कोर i3 का फर्स्ट जनरेशन का प्रोसेसर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है एंड दोस्तों इसका स्पीड जो 3.2 GHz का स्पीड आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है इस प्रोसेसर के अंदर। एंड दोस्तों इस सीपीयू के अंदर आपको यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड के अंदर इंटीग्रेटेड HD ग्राफिक्स देखने के लिए मिल जाता है एंड इसका जो वारंटी आपको यहाँ पे 1 ईयर की मैन्युफैक्चर वारंटी देखने के लिए मिल जाता है, जिसके वजह से आप यहाँ पे 1 ईयर तक भी अगर मैन्युफैक्चर डिफेक्ट होता तो आप यहाँ पे क्लेम करके उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा 15,000 बजट के अंदर बेस्ट सीपीयू। तो ये जो 4 सीपीयू को हमने यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए थे इसका प्राइस को चलिए यहाँ पे जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पहला नंबर पे जो सीपीयू का बात आपको यहाँ पे बताया उसका प्राइस आपको यहाँ पे 14,259 के आसपास इसका प्राइस आपको देखने के लिए मिल जाएगा एंड यहाँ पे सेकंड नंबर पे जो सीपीयू के ऊपर हमने यहाँ पे बात की जो कि असेंबल सीपीयू है उसका प्राइस आपको यहाँ पे फ्लिपकार्ट मार्केट प्लेस के अंदर 11,999 रुपए के आसपास देखने के लिए मिल जाएगा।
दोस्तों यहाँ पे थर्ड नंबर पे जो सीपीयू के ऊपर हमने यहाँ पे बात की, जो कि ब्रांडेड सीपीयू है, उसका नाम है एंटोइनो। इसका प्राइस आपको यहाँ पे फ्लिपकार्ट मार्केट प्लेस के अंदर 11,498 के आसपास देखने के लिए मिल जाएगा। एंड यहाँ पे फोर्थ नंबर पे जो मैन्युफैक्चरर की तरफ से असेंबल को सीपीयू के ऊपर हमने यहाँ पे बात किया, उसका प्राइस आपको यहाँ पे फ्लिपकार्ट मार्केट प्लेस के अंदर 10,999 के आसपास देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था 15,000 बजट के अंदर बेस्ट सीपीयू आपके लिए। अगर दोस्तों इसके अंदर से कोई भी सीपीयू आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हो परचेस करने की, सारे के सारे लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर आप यहाँ पे डायरेक्ट उसको परचेस कर सकते हैं, उसका स्पेसिफिकेशन वगैरह चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपके लिए छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो पहले देखने के लिए हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक करके आपके दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग टू टेक्निकल वॉलेट।